Hello everyone, I am Professor N B Chatti. Welcomes you all in the 49th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have already completed our 4 chapters till the last lecture, right? So in the last lecture, we have completed our 4th topic, that is synchronous motor. So now in today's lecture, we are going to start with our new topic. And the new, the name of the new topic is Fractional Horse Power Motors. हे नवीन चॅप्टरचं नाव आहे आपल्या फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर्स, ज्याला आपण FHP मोटर्स असं म्हणतो. शॉर्ट फॉर्म मध्ये फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवरला FHP मोटर्स असं नाव दिले. ठीक आहे, इथे वेगवेगळे ह्या मोटर्स तुम्हाला दिसत आहेत की ज्याला आपण फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर्स असं म्हणतो. ठीक आहे, तर यामध्ये मग आपल्याला वेगवेगळ्या मोटर्स पाहायचे. ठीक आहे, जसे आपण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स चे वेगवेगळे टाइप्स पाहिले. ठीक आहे, तसेच आता आपल्याला फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर च्या मोटर वेगवेगळ्या पाहायच्या. ठीक आहे, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर. आताच आपण रिसेंटली आपला 4था चॅप्टर कंप्लीट केला होता आणि त्यामध्ये आपण 3 फेज सिंक्रोनस मोटर पाहिली, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिन्सिपल. ठीक, हे सगळे डिटेल्स आपण सिंक्रोनस मोटरचे 4थ्या चॅप्टर मध्ये पाहिले. ठीक, नाउ आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पहिली मोटर पाहणार आहे फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर बद्दल. त्यामध्ये तिचं नाव आहे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर. ठीक आहे, तो इसमें क्या दिया देखो, there are some special types of synchronous motors working on single phase AC supply. यहाँ पे अपने पास कुछ स्पेशल टाइप के सिंक्रोनस मोटर होते हैं जो सिंगल फेज AC सप्लाई पे वर्क होते हैं. ठीक है, तो टू ऑफ देम आर, उसमें से 2 यहाँ पे दिए हैं. फर्स्ट वन इज द रिलक्टेंस मोटर एंड सेकंड वन इज द हिस्टेरेसिस मोटर. तो ये जो हिस्टेरेसिस मोटर है वो ऑलरेडी हमने, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो उसकी वजह से ये मोटर हमने ऑलरेडी सिंगल फेज मोटर्स में देखी है. ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर. तो आज के लेक्चर में हमने ये मोटर देखनी है, फर्स्ट वाली, दैट इज रिलक्टेंस मोटर. तो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर क्या होती है वो देखना है हमें. सो रिलक्टेंस मोटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर दैट इंड्यूसेस टेम्पररी मैग्नेटिक पोल्स ऑन द फेरोमैग्नेटिक रोटर. रिलक्टेंस मोटर जो है वो एक इलेक्ट्रिक टाइप की मोटर है जिसमें वहां पे टेम्पररी मैग्नेटिक पोल्स फेरोमैग्नेटिक रोटर पे वहां पे इंड्यूस होते हैं. ठीक है, रिलक्टेंस मोटर ही एक टाइपची इलेक्ट्रिक मोटर आहे ज्यामध्ये टेम्पररी मैग्नेटिक पोल्स तिथल्या फेरोमॅग्नेटिक रोटर वरती तिथं इंड्यूस होत असतात. ठीक आहे, सो दी रोटर डज नॉट हॅव एनी वाइंडिंग्स. इथं रोटर वरती कुठल्याच वाइंडिंग नसतात. सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर मध्ये रोटर वरती कुठलीच वाइंडिंग नसते. जसं आपण अल्टरनेटर मध्ये पाहिलं, सिंक्रोनस मोटर मध्ये पाहिलं. ठीक आहे, की आपण स्टेटर वरती तिथं आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस केली होती आणि रोटर वरती आपण तिथं फील्ड वाइंडिंग प्लेस केली होती आणि आपण फील्ड वाइंडिंगला सप्लाय देत होतो. ठीक आहे, अल्टरनेटर मध्ये आणि सिंक्रोनस मोटर मध्ये. पण इथं रोटर वरती कुठलीच वाइंडिंग नसते. ठीक है, सो इट जनरेट्स टॉर्क थ्रू मैग्नेटिक रिलक्टेंस. तो यहाँ पे टॉर्क कैसे जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस की वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है. सो द रिलक्टेंस मोटर सब टाइप्स, इसमें रिलक्टेंस मोटर के कुछ सब टाइप्स भी हैं. ठीक है, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के कुछ सब टाइप्स भी हैं. इसमें क्या क्या आता है, It includes synchronous, variable, switched reluctance motor, then variable stepping reluctance motor. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके सब टाइप्स है रिलक्टेंस मोटर के. ठीक है, नाउ रिलक्टेंस मोटर कैन डिलीवर हाई पावर डेंसिटी एट लो कॉस्ट. रिलक्टेंस मोटर क्या करती है, वहां पे हाई पावर डेंसिटी डिलीवर करती है लो कॉस्ट में. ठीक है, रिलक्टेंस मोटर क्या करते हैं, हाई पावर डेंसिटी लो कॉस्ट ला तिथं डिलिव्हर करते. अँड दिस मेक्स देम अट्रॅक्टिव्ह फॉर मेनी ऍप्लिकेशन. तो उसकी वजह से रिलक्टेंस मोटर ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है रिलक्टेंस मोटर के, विच इंक्लूड्स हाई टॉर्क रिपल। इसमें हाई टॉर्क रिपल होता है एंड व्हेन ऑपरेटेड एट लो स्पीड। जब हम उसको लो स्पीड पे ऑपरेट करते हैं तो उसमें हाई टॉर्क रिपल होता है। एंड नॉइज ड्यू टू द टॉर्क रिपल। टॉर्क रिपल की वजह से वहां पे रिलक्टेंस मोटर में वहां पे नॉइज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रिलक्टेंस मोटर के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो हमारे डिसएडवांटेज मध्ये काय सांगितलं आपण की हाय टॉर्क रिपल तिथं रिलक्टेंस मोटर मध्ये आहे, कारण जेव्हा आपण तिला ऑपरेट करतो लो स्पीडवर, ठीक आहे, हाय टॉर्क रिपल प्रेझेंट असतं जेव्हा रिलक्टन्स मोटरला आपण ऑपरेट करतो लो स्पीड वरती। आणि टॉर्क रिपल मुळे तिथं नॉइज सुद्धा प्रेझेंट असतो रिलक्टन्स मोटर। असे हे दोन ऍडव्हान्टेजेस इथं दिलेले आहेत रिलक्टन्स मोटरचे। नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन अँड ऑपरेशन ऑफ दिस सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर। सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटरचं कंस्ट्रक्शन आणि ऑपरेशन पाहायचं आपल्याला, ठीक आहे। सो हियर द स्टेटर वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय सिंगल फेज एसी सप्लाय। स्टेटर वाइंडिंग को क्या करना है हमें, यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई देना है। सो इट प्रोड्यूसेस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू स्प्लिट फेज प्रिंसिपल डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो वहां पे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने स्प्लिट फेज प्रिंसिपल में डिस्कस किया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हमने देखे उसमें ये स्प्लिट फेज प्रिंसिपल देखा था आपने, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तब तो वहां पे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, समझ लो। देन नेक्स्ट पॉइंट दिला है रोटर इज अ स्क्विरल केज टाइप। इथं सुद्धा रोटर हे स्क्विरल केज टाइपचा आहे। सो हैविंग प्रोजेक्टेड पोल्स एज शोन। इथं प्रोजेक्टेड पोल्स आहेत रोटर वरती, ठीक है। सो रोटर इज अ स्क्विरल केज टाइप। रोटर हे स्क्विरल केज टाइपचा आहे आणि इथं प्रोजेक्टेड पोल्स असतात, जसं आपण अल्टरनेटर मध्ये सॅलियंट पोल अँड नॉन सॅलियंट पोल असे दोन टाइप्स पाहिले होते रोटरचे, ठीक आहे। त्यामध्ये हा प्रोजेक्टेड पोल्स कसा असतो हे आपण दाखवलं होतं, ठीक आहे। सो दी रोटर डज नॉट हॅव एनी फील्ड वाइंडिंग। इथं रोटर वरती कुठलीच फील्ड वाइंडिंग नसते। सो व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग इज स्विच ऑन, जब वहां की स्टेटर वाइंडिंग को हम स्विच ऑन कर देंगे, यानी जो सप्लाई दे रहे हैं हम स्टेटर वाइंडिंग को उसको हम जब स्विच ऑफ करते हैं, देन द रिवॉल्विंग फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तब वहां पे जो स्टेटर एंड रोटर का एयर गैप है उसमें एक रिवॉल्विंग फील्ड वहां पे एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। जेव्हा स्टेटर वाइंडिंगला स्विच ऑन करतो, स्टेटर वाइंडिंगला स्विच ऑन करणं म्हणजे स्टेटर वाइंडिंगला जो सप्लाय दिला आपण त्याला स्विच ऑन करणं, ठीक है। तर तो स्विच ऑन जेव्हा करू आपण सप्लाय तेव्हा तिथं स्टेटर आणि रोटरच्या एअर गॅप मध्ये रिव्हॉल्विंग फील्ड तिथं एस्टॅब्लिश होत असते, ठीक आहे। सो दिस मॅग्नेटिक फील्ड रिव्हॉल्व्स ॲट अ सिंक्रोनस स्पीड एनएस। ही मॅग्नेटिक फील्ड रिव्हॉल्व होते सिंक्रोनस स्पीडला, ठीक आहे। एनएस हे आपल्याला माहिती आहे सिंक्रोनस स्पीडचा फॉर्म्युला आहे। सो ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ स्क्विरल केज, इथं स्क्विरल केजचा रोटर प्रेझेंट असल्यामुळे मोटर स्टार्ट्स एज एन इंडक्शन मोटर। ये जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है वो आपकी इंडक्शन मोटर बोल के वो स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है स्क्विरल केज का। सो रीचेस अ स्पीड दैट इज वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, और वो रीच होती है आपकी स्पीड पे जो कि बहुत ही नजदीक होती है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, समझ लो। इथं स्क्विरल केजचा प्रेजेंस असल्यामुळे मोटर आपली इंडक्शन मोटर म्हणून तिथं स्टार्ट होणार आहे आणि त्याची स्पीड रीच होते जी स्पीड सिंक्रोनस स्पीडच्या अतिशय जवळ। सो ड्यू टू दी प्रोजेक्टिंग पोल्स, वरती सांगितलं आपण की सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर मध्ये प्रोजेक्टिंग पोल्स आहेत, त्यामुळे एअर गॅप जो आहे स्टेटर आणि रोटर मधला तो नॉन युनिफॉर्म असणार आहे। दॅट इज रिलक्टन्स टू फ्लो ऑफ फ्लक्स इज लेस। रिलक्टन्स जे आहे रिलक्टन्सचा जो फ्लो आहे, ठीक आहे, रिलक्टन्स टू फ्लो तो फ्लो ऑफ फ्लक्स इज लेस। जो फ्लो ऑफ फ्लक्स का जो रिलक्टेंस है तो इधर less असणार आहे, where air gap is small. जिथे एयर गॅप स्मॉल आहे तिथं फ्लो ऑफ फ्लक्सचा जो रिलक्टन्स आहे तो लेस असणार आहे, आणि इट इज मोर व्हेअर एअर गॅप इज लार्ज. जिथे एअर गॅप लार्ज असणार आहे तिथं तो जास्त असणार आहे. ठीक आहे, फ्लो ऑफ फ्लक्सचा रिलक्टन्स जास्त असणार आहे जिथे एअर गॅप लार्ज असणार. ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉइंट, रिव्हॉल्विंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर ट्राईज टू फॉलो पाथ ऑफ लीस्ट रिलक्टन्स. ये जो रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है स्टेटर का, वो क्या करता है, लीस्ट रिलक्टेंस का पाथ फॉलो करने के लिए ट्राई करता है. ठीक, रिवॉल्विंग फ्लक्स का फ्लक्स जो है स्टेटर का, वो लीस्ट रिलक्टेंस का पाथ वहां पे फॉलो करने का वो ट्राई करता है, और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रोटर गेट्स पुल्ड इनटू सिंक्रोनिज्म. तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कि रोटर को हम वहां पे पुल्ड किया जाता है सिंक्रोनिज्म में विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस रोटर को पुल्ड किया जाता है सिंक्रोनिज्म में, एंड कंटिन्यूज टू रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड. और वो रोटर भी अब क्या होता है, वहां पे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, समजला. रिव्हॉल्विंग फ्लक्स जे आहे स्टेटरचं ते काय करणार आहे, लिस्ट रिलक्टन्स पाथला फॉलो करण्याचा प्रयत्न करणार आहे ते, आणि त्याचा रिझल्ट काय मिळाला मग आपल्याला, की रोटर तिथल्या आरएमएफ सोबत सिंक्रोनिझम मध्ये पुल्ड केलं जाईल त्याला, आणि त्यामुळे ते कंटिन्यू रोटेट होईल सिंक्रोनस स्पीड. ठीक आहे, नाउ द टॉर्क ड्यू टू विच द रोटर गेट्स पुल्ड इन द सिंक्रोनिझम इज कॉल्ड एज रिलक्टेंस टॉर्क. की जो टॉर्क की वजह से रोटर जो है वो पुल्ड हो रहा है सिंक्रोनिझम में, उस टॉर्क को बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क. ज्या टॉर्क मुळे तिथलं रोटर हे पुल्ड होतोय सिंक्रोनिझम मध्ये, त्या टॉर्कला नाव दिलंय तर रिलक्टन्स टॉर्क, आणि म्हणूनच त्या मोटरला नाव दिलंय रिलक्टन्स मोटर. सो द मॅग्नेट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द पोझिशन ऑफ द रोटर. जे मॅग्नेट्यूड आहे तिथल्या स्टार्टिंग टॉर्कचं ते डिपेंड असणार आहे तिथल्या रोटरच्या पोझिशनवर. सो दिस इज द ऍक्च्युअल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर. इथे या आयर्न शीट्स दाखवलेले आहेत, नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, हे रोटर आहे आपलं. ठीक आहे, इथं प्रोजेक्टिंग पोल्स असतात या रोटरवरती. ठीक आहे, क्लिअर आहे, आणि ही त्याची टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक आहे. हिअर वाय ऍक्सिस वरती टॉर्क दाखवला आपण, आणि एक्स ऍक्सिस वरती स्पीड दाखवली. हा स्टार्टिंग टॉर्क आहे. इथं सुरुवातीला एम ची व्हॅल्यू म्हणजे ऍक्च्युअल स्पीड जी आहे मोटरची ती झिरो असणार आहे, आणि इथं ऍक्च्युअल स्पीड ही सिंक्रोनस स्पीडच्या इक्वल मध्ये असणार आहे. ही स्विचिंग स्पीड असणार आहे आपली. ठीक आहे, सो स्टार्टिंग टॉर्क दिस इज द फंक्शन ऑफ रोटर पोझिशन, रोटर पोझिशनचं फंक्शन असणार आहे. अँड हिअर स्विचिंग इनटू सिंक्रोनिझम, इथं मोटर काय होईल आपली सिंक्रोनिझम मध्ये स्विचिंग होईल. ठीक आहे, आणि म्हणून इथपर्यंत असा हा कर्व दाखवलाय, नंतर तो इथं थोडंसं वरती आलेला दाखवलाय. ठीक आहे, सो दिस इज द टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच रिलक्टन्स सॉरी synchronous reluctance motor. Okay. Now, also the torque changes when the switching action from induction motor to synchronous motor takes place. जेव्हा तिथं स्विचिंग ऍक्शन होत असते इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस मोटर कडे, तेव्हा तिथला टॉर्क सुद्धा काय होतो आपला चेंज होतो. सो देयर इज एन ऑक्झिलरी स्टार्टिंग वाइंडिंग दैट इंक्रीजेस द पुल आउट टॉर्क. वहां पे एक ऑक्झिलरी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी होती है, वो क्या करती है वहां के पुल आउट टॉर्क को इंक्रीज करती है. पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी जो है मोटर की उसको इंक्रीज करती है. ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या करती है वहां पे पुल आउट टॉर्क, पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी जो है मोटर की उसको इंक्रीज करती है. ठीक है, नाउ दिस मोटर इज हैविंग सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर इज हैविंग सम एडवांटेजेस. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो देख लेते हैं. फर्स्ट एडवांटेज है दिस मोटर हैज अ कांस्टेंट स्पीड लाइक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर. थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जैसी इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, पहला एडवांटेज है. देन नेक्स्ट, बट इट डज नॉट रिक्वायर डीसी सप्लाई फॉर एक्साइटेशन पर्पज. यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, एक्साइटेशन पर्पज के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत यहाँ पे नहीं है. सो हेंस लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड्स लेस मेंटेनेंस. तो उसकी वजह से इसका यहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेटेड है ये मोटर, एंड उसको मेंटेनेंस भी कम लगता है. Then third advantage है robust construction, construction robust है. Fourth, lower maintenance per cost because it is brushless and magnet free. Lower maintenance cost आहे कारण ती brushless and magnet free आहे. पाचवा rotor synchronicity which leads to a more accurate speed control. ठीक है, रोटर सिंक्रोनिसिटी मुळे इथं मोर ऍक्युरेट स्पीड कंट्रोल करता येते आपल्याला. देन सिक्स, हायर इफिशियन्सी अप टू 94%. हायर इफिशियन्सी मिळते, जवळपास 94% इफिशियन्सी मिळते. अँड हायर टॉर्क डेन्सिटी, टॉर्क डेन्सिटी सुद्धा हायर आहे. देन नेक्स्ट, लाईक द ऍडव्हान्टेजेस इट इज हॅव्हिंग सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो ऑर लिमिटेशन्स. राईट, limitations काय आहेत मग या मोटरचे पाहू आपण. फर्स्ट वन इज दी इट इज व्हेरी वाइडली मैन्युफैक्चर्ड येट. ठीक है, ये जो मोटर मैन्युफैक्चर की जाती है वो बहुत ही वाइडली मैन्युफैक्चर की जाती है. सेकंड, ऑल्सो रोटर मस्ट बी लाइट इन वेट टू स्टार्ट रोटेटिंग. ठीक है, रोटर को यहाँ पे आपको लाइट वेट में रखना होता है ताकि वो रोटेट वहां पे हो सके. ठीक है, रोटर हे मस्ट बी आपला लाइट इन वेट असायला पाहिजे जेणेकरून ते रोटेट व्हायला स्टार्ट झालं पाहिजे. थर्ड, पॉवर फैक्टर ऑफ द मोटर इज ऑल्सो लो. पॉवर फैक्टर इसका लो होता है. देन हायर कॉस्ट देन द इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस रिलक्टेंस की मोटर की कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा होती है. ठीक है, नाउ दिस सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर इज ऑल्सो हैविंग सम एप्लिकेशन्स लाइक ड्राइविंग डिवाइसेस मध्ये यूज होते ही मोटर, ग्रामोफोन्स मध्ये. ठीक है, देन रेकॉर्डिंग इंस्ट्रुमेंट्स मध्ये यूज होते हैं. देन हार्ड डिस्क ड्राइव मोटर मध्ये यूज होते हैं. कंट्रोल रॉड ड्राइविंग मेकॅनिझम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. कंट्रोल रॉडचं जे ड्राइविंग मेकॅनिझम आहे न्यूक्लियर रिएक्टरसाठी त्याच्यामध्ये ही मोटर यूज होते. देन हीटिंग, व्हेंटिलेटिंग अँड एअर कंडिशनिंग ऍप्लिकेशन्स मध्ये ही मोटर यूज होते. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, तो ये है आपकी सिंक्रोनस सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर. इसमें कुछ डाउट है आपको? ठीक है, इसमें कुछ डाउट है ये मोटर में तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.